नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, सेंट स्टीफन कॉलेज व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी अगर कोई सशक्त नहीं हो पाया है तो आप समझ सकते हैं कि इन जैसे प्रतिष्ठित देश के व पूरी दुनिया के प्रतिष्ठित जो ये कॉलेज मैंने आपको बताई, यूनिवर्सिटियां बताई, अगर इसमें पढ़ने के बाद भी आदमी सशक्त नहीं हो पाया तो एक तरह से उनकी ही बदनामी करना है। आप समझ गए होंगे मैं कहां बोल रहा हूं। दरअसल जिस तरह से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ दी है और बराबर में एक कुर्सी यानी दो कुर्सियां डाली गई हैं, एक पे वो स्वयं बैठी हैं और एक कुर्सी जो थोड़ी ऊंची है यानी उनकी कुर्सी से जो मुख्यमंत्री हैं उससे ऊंची एक कुर्सी उन्होंने खाली छोड़ी है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से त्रेता युग में भरत जी ने भगवान श्री राम की खड़ाऊ उस जगह पे रख दी थी गद्दी पे कि जब वो 14 साल का वनवास काट के आएंगे तब वो यहां पर राज करेंगे, तो क्या त्रेता युग को फिर से दोहराया जा रहा है या उनकी बराबरी की जा रही। देखिए, वो भगवान श्री राम थे और वो 14 साल के वनवास पे गए थे और उनका राइट था, यानी उस कुर्सी पे उनका राइट था तो उनका आना ही था, तो उनके भाई ने अच्छा किया। लेकिन इस पे राइट किसका है, इस कुर्सी पे राइट दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है इस पे किसका अधिकार है? इस पे तो आतिशी का ही अधिकार है ना, या अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब चाटुकारिता की हद हो गई कि अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी आपने सरकार, अभी जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे और आपने उनके पीछे सरकार चलाई उसके बावजूद आपको इस तरह की चाटुकारिता करनी पड़ रही है तो क्या कहा जा सकता है? आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो कुछ कंडीशन लगी थी जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में विधायक दल का नेता आतिशी चुनी गई और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी है। तो कहने का मतलब यह है कि जनता ने तो आपको चुना है, भले पहले केजरीवाल थे और बाद में जो विधायक लोग होते हैं वो चुनते हैं, तो वो जनता की आवाज कहलाई जाती है कि जनता ने चुना है। तो जनता के चुनने के बाद भी आप इस तरह से कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि अभी तक महिला सशक्त नहीं हो पाई है। जैसे आपने उदाहरण दे दिया, इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप ये चाटुकारिता कर रही हैं। एक ट्वीट भी आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। आम आदमी पार्टी की ओर से ये एक्स के माध्यम से ट्वीट किया गया है कि मुख्यमंत्री आतिशी ने उस कुर्सी को खाली छोड़ा है जिस पर बैठकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों की सेवा करते थे। आतिशी ने फैसला किया है कि ये कुर्सी खाली रहेगी और जैसे भरत ने भगवान श्री राम के वनवास जाने पर उनकी खड़ाऊ रखकर शासन चलाया था, वैसे ही आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी के फिर से मुख्यमंत्री बनने तक दिल्ली वालों की सेवा करेंगी। तो कुल मिला के क्या ये श्योरिटी है कि अरविंद केजरीवाल 4 महीने के बाद आएंगे, चुनाव होंगे? कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोई और मुख्यमंत्री आ सकता है, बीजेपी का आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सब किया है। एक तरह से चापलूसी की जा रही है, इतनी पढ़ी लिखी महिला होने के बाद, इतने बड़े संस्थानों में पढ़े होने के बाद इस तरह की बातें करना और इस तरह से राज करना, तो कहीं ना कहीं और पार्टियों पर आरोप लगता है कि ये परिवारवाद है। तो परिवारवाद तो इसको नहीं कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ इनको बनाया है, लेकिन उन्होंने वो कुर्सी खाली छोड़ दी है, यानी इन्हीं का अधिकार, अगर ये नहीं बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा इस कुर्सी पे। देखिए, इन्होंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और किस तरह से कुर्सी छोड़ी थी वो भी वीडियो आप देख लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी।